उन्होंने कहा कि ए साले, हम आपसे बुरा शगुन लेते हैं। माज़अल्लाह कहा कि हम आपको मनहूस ख्याल करते हैं और जो तेरे साथ हैं उनको भी हम मनहूस ख्याल करते हैं। ये अजीब कौमों का मिजाज है कि जो वजूद बरकत वाले होते हैं वो उन वजूदों को और उन पाकबाज हस्तियों को मिटाने की आरजू में लगे होते हैं कि ये वजूद मिट जाए, हालांकि सारी रोशनियां और सारे उजाले मुआशरतों में पाक लोगों के दम से होते हैं। लेकिन ये शुरू से होता आया है कि लोगों ने पाकबाज लोगों के ऊपर तानो तशनी के तीर भी बरसाए और उनके तकवे को निशाना तदहीक बनाया और उनकी जिंदगी के तकद्दस मआब लम्हों पर उंगलियां उठाई। तो उन्होंने कहा कि ए साले, हम तुम्हें माजल्ला मनहूस ख्याल करते हैं और तुम्हारी कौम को, तुम्हारे साथ जो लगे हुए लोग हैं उनको भी हम मनहूस ख्याल करते हैं। ये अमूमन जो जुहला होते हैं उनमें ये एक तसव्वुर होता है कि फलां चीज मनहूस है, फलां चीज मनहूस है। ये किसी इलाके में उल्लू को मनहूस ख्याल किया जाता है, किसी में ये है कि ये बिल्ली रास्ता काट गई है तो ये मनहूस हो गया है। इस तरह की बातें इस्लाम ने इसकी नफी की है और ये तवक्कुल के मुनाफी चीजें हैं। कोई जो है वो मनहूस नहीं है, बल्कि दिनों को मनहूस ख्याल किया जाता है। बाज लोग मंगल के दिन को मनहूस ख्याल करते हैं, बाज अतराफ को, सिमतों को लोग जो है वो मनहूस ख्याल करते हैं। बाज लोगों को मनहूस ख्याल करते हैं कि सुबह सुबह ये मिल गया है अब सारा दिन बुरा ही गुजरेगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। और ना कोई दिन मनहूस है और ना कोई शब मनहूस है और ना कोई वक्त मनहूस है। जो मनहूस मानने पे आए तो माशाल्लाह उन्होंने पैगंबर को भी मनहूस करार दे दिया और पाकबाज हस्ती के आली मर्तबत सहाबा को भी उन्होंने जो है वो मनहूस करार दे दिया और कहा कि हम बुरा शगुन लिया तुमसे और तुम्हारे साथियों से। काला ताइरुकुम इंदल्लाह बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है बल्कि तुम लोग फितने में पड़े हुए हो। हजरते साले अलैहिस्सलाम कौमे समूद की तरफ आए तो कौमे समूद में 9 लोग थे जो सबसे ज्यादा फितने की निशानी थे और फितनागर थे। कितने बुरे लोग होते हैं कि जब फितनागरों की फहरिस्त बने तो उनका नाम आता है। किसी बस्ती के अंदर, किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर लोग कहें फलां बंदा बड़ा शैतान है, फलां बड़ा बंदा शैतान है, फलां बड़ा बंदा खबीस है, तो लोग उंगलियों पे गिने और किसी शख्स का नाम उस फहरिस्त में आ जाए। मुझे बताओ कि कितना बुरा वो शख्स होता है जिसका नाम शयातीन की फहरिस्त में आ जाए, गंदे लोगों की फहरिस्त में आ जाए, बुरे लोगों की फहरिस्त में आ जाए। अल्लाह से दुआ मांगा करो कि मालिक जब नाम लिए जाए तो हमारा नाम सालेहीन की फहरिस्त में आए, अच्छे लोगों की फहरिस्त में आए।